So hi guys, welcome to our new episode and also welcome to our channel. So my name is Raghav, I'm the cross country marathon rider and right now I'm working with the Omo Bikes as a product leader. So aaj ke is pure episode mein hum ye cheez janne ki koshish karenge ki kis tarike se aap apni training wheels ko apne cycle ke andar laga sakte hain. The reason behind it, badhte bacche aur badhti cycle. ये कभी खुशी कभी गम वाला एटमॉस्फेयर होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी साइकिल बढ़ रही होती है, उन्हें साइकिल अपग्रेड करनी होती है जो कि उनके लिए एक्सपेंस का काम करता है, और बच्चे बड़े होते हैं तो बढ़ते हुए बच्चों को देख करके खुशी अलग होती है. बट इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा हैसल होता है पेरेंट्स का, वो होता है ट्रेनिंग व्हील को लगाना. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो हमेशा छोटी साइकिल होने की वजह से वो झुक नहीं सकते हैं, झुकने की वजह से वो बहुत ज़्यादा देर तक अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते गार्डन में, सोसाइटी में या सराउंडिंग में. तो इस पूरी चीज़ को काउंटर करने के लिए मैक्सिमम बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपने साथ एक ट्रेनिंग व्हील देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रेनिंग व्हील कैसे लगाना है और उसकी हाइट क्या रखनी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो गाइस, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बॉक्स के अंदर ट्रेनिंग व्हील्स आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर मैनुअल होता है, और कुछ कुछ जो आपके ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी ग्रूव्स बने होते हैं या खांचे बने होते हैं जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फिट हो जाते हैं, और आपको सिर्फ नॉब को टाइट करना होता है या फिर बोल्ट को टाइट करना होता है. लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि आपको पूरा ये बोल्ट बाहर निकालना पड़ता है, उसको अंदर इंस्टॉल करते हैं इस अटैचमेंट के हेल्प से, और उसके बाद से आप 15 नंबर के रिंच से यानी 15 mm के एलन की से, जो कि अक्सर आपके बॉक्स में, जो कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसके अंदर मिला होता है आपको. सो कभी भी अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो सबसे पहला काम करते हैं आप ये देख लो कि अगर इस तरह का अटैचमेंट आपके पास है तो आपको सबसे पहले इसको ढीला करना है. एंटी क्लॉकवाइज, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसको आप ढीला करने से ये ढीला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको टाइट करने के लिए एक यहाँ पे लॉक लगा हुआ है. तो हमने इस बोल्ट को पूरी तरह से निकाल लिया, उसके बाद से ये आपने पकड़ा. आप देखिए ये जो गैप होता है, ये गैप इस जगह पे फिट होता है. सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी बाइक का जो व्हील है वो सीधे वर्टिकल है, तो आपके बाइक की जो बाइक का जो सपोर्ट व्हील व्हील होता है उसके बीच में कम से कम 1 finger का गैप होना चाहिए. अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने 2 finger का गैप दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है. बच्चे जब कहीं मुड़ रहे होते हैं तो उस समय वो गिर जाते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है तो हमेशा बच्चों की आदत पड़ जाती है कि बिना सपोर्ट व्हील के वो साइकिल आगे लेके नहीं जा सकते हैं. तो इस वजह से जब भी आप राइड कर रहा हो बच्चा और धड़ आवाज़ होती है, अगर ये बहुत नीचे कर देंगे तो धड़ आवाज़ होती है, जिससे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं. लेकिन जब हवा में होगी तो आप रियलाइज़ कर लोगे, जब बाइक चलाते समय बच्चे की साइकिल से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ही इज़ रेडी टू रिमूव देयर सपोर्ट व्हील. सो आपने एक पूरे 1 finger का गैप देख लिया है नीचे से. सेट तो आपका एक साइड का व्हील पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, और यही सेम प्रोसीजर आप अपोजिट साइड में भी रिपीट करेंगे. सो गाइस, नाउ स्टार्ट अदर साइड. अभी सेम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, इसको ढीला कर लेते हैं. ये चीज़ हम आपको क्लोजली इस वजह दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आप जो है ट्रेनिंग व्हील घर पर कैसे लगा सकते हैं. अब आप देखिए,
ये जो थोड़ा उस एंगल से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये जो गैप होता है, ये जो आपका बना हुआ है ये चीज़, ये आपकी इसके अंदर फिट होती है ऐसे। इससे क्या होता है, ये देखिए ये मूव नहीं करेगा। फिर आप इस चीज़ को ऐसे पुट करेंगे इसके अंदर, एक वॉशर इंस्टॉल कर लीजिए इसके अंदर, जो आपकी आपका इंटरनल वॉशर था अब वो एक स्टेप आगे आ गया स्टैंड के ऊपर। इसको इंगेज कर देते हैं बोल्ट से। यहाँ से फिंगर चेक कर लिया, ये बिल्कुल पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है बाइक। सो हमें इतना ही करना होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बड़े आसानी से अपने ट्रेनिंग व्हील को अपने घर पे लगा सकते हैं, और आपके बच्चे जब भी उन आपको लगेगा कि उसमें से साउंड बहुत कम है, खड़ खड़ की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये पूरा व्हील जो है ऐसे हवा में है और दोनों साइड जो है, सॉरी ये व्हील जो सेंटर में है और ये दोनों आपके ट्रेनिंग व्हील हवा में है, यानी टाइम आ चुका है कि ट्रेनिंग व्हील्स को निकाल दिया जाए। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड फ्यूचर में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास किसी अलग तरीके का ट्रेनिंग व्हील है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे जो है कॉमेंट बॉक्स में या फिर हमारे जो है सपोर्ट टीम पे उस पर्टिकुलर चीज़ को भेज सकते हैं। वी लव टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। राइट हार्ट एंड राइट सेफ।